मुंबई की एक ऐसी चीज़ जो आपको हिला के रख देगी, झटका महसूस होगा और आप कहोगे भाई हमने ये क्या कर दिया, क्या देख लिया। पूरे भारत देश के अंदर किसी का पत्रकार ने कुछ ये वाली चीज़ कवर नहीं करी। ये देखिए आप, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना तहलका भाई। दोस्तों मैं खड़ा हूं इस टाइम मुंबई में और आपको मुंबई की एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूं जो आज तक पूरे भारत देश के अंदर कोई भी पत्रकार इसको कवर नहीं कर पाया, दिखा नहीं पाया। मुंबई की एक ऐसी चीज़ जो आपको हिला के रख देगी, झटका महसूस होगा और आप कहोगे भाई हमने ये क्या कर दिया, क्या देख लिया। या फिर आप ये कह सकते हो कि मुंबई शहर के अंदर इतना सब कुछ और अब तक किसी ने कवर नहीं करा, किसी ने दिखाया नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज आपका तहलका भाई तहलका बचा देगा पूरे भारत देश के अंदर। मुंबई शहर का हर बंदा, हर एक स्टेट का बंदा, दिल्ली का, बेंगलोर का, कोलकाता का, हर बंदा हैरान होने वाला है मुंबई शहर की वीडियो देखने के बाद। भारत के हर पत्रकार को यहाँ पे आना चाहिए, हर एक चीज़ को कवर करना चाहिए, बाकायदा हर एक चीज़ को ढंग से तरीके से दिखाना चाहिए। हिंदुस्तान की वो वीडियो है जो कम से कम 20 मिलियन 30 मिलियन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये देखो मुंबई शहर के अंदर आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, पूरे भारत देश के अंदर किसी का पत्रकार ने कुछ ये वाली चीज़ कवर नहीं करी। ये देखिए आप, एक सेकंड रुकिए आप, ये देखिए मुंबई शहर की एक ऐसी वीडियो जो तहलका मचा देगी पूरे भारत देश के अंदर। ये देखिए दोस्तों, मेरे सामने इतनी तगड़ी मार्केट, आप कहते थे गोवा तगड़ा है, ये है, मैं मानता हूँ गोवा तगड़ा है, लेकिन गोवा के बाद मुंबई में तहलका मच चुका है। पूरे भारत देश की सबसे तगड़ी मार्केट मुंबई में बन चुकी है। हम कहाँ पे खड़े हैं, किस जगह खड़े भैया से पूछेंगे। भैया नमस्ते, ये कहाँ खड़े हम? ये कितनी, मेरे ख्याल से 100-200 दुकानें हैं, ज्यादा है, मतलब आज तक किसी पत्रकार ने नहीं दिखाया। पानी पूरी, वड़ा पाव, सब कुछ चीज मिलेगी। अच्छा जी, तो दोस्तों आप देख सकते हो भारत देश की एक ऐसी मार्केट जहाँ पर करोड़ों लोग आना शुरू हो गए हैं। देखो हमारे देश की जो जनसंख्या है वो है 150 करोड़। अभी तक मेरे ख्याल से 10 करोड़ लोगों को पता होगा, बाकी जनता को नहीं पता। 140 करोड़ की जनता को नहीं पता इस बारे में कि ये मार्केट कहां पर है, किस जगह पर है। मैं आपको देखो बारीकी से दिखा रहा हूं। ये देखिए आप, ये पूरा माहौल दिखा दिया मैंने आपको। ये देखो अंदर भी इसके बाद एक के बाद एक मार्केट है। आओ अंदर लेके चलता हूँ आपको मैं। आ जाओ भैया, आपको दिखाऊंगा अंदर का नज़ारा। बहुत बढ़िया सर, ठीक हो सर? लव यू सर, लव यू, प्यार देने के लिए धन्यवाद। और ठीक हो? आई लव यू। क्या बात। तो दोस्तों ये देखिए आप, पूरे भारत देश के अंदर तहलका मचा दिया मुंबई वालों ने। ये देखिए आप, मुंबई के लोग बहुत प्यारे होते हैं, बढ़िया होते हैं, और यहाँ पे देखो जान डालने के लिए लोग चटकोरे होते हैं। तो मुंबई के लोगों ने सोचा क्यों ना ऐसी चीज़ कर दी जाए, ऐसा काम कर दिया जाए जो तहलका मच जाए पूरे भारत देश के अंदर। ये देखिए आप, गोवा के बाद मुंबई में तगड़ा तहलका मच चुका है। यहाँ के लोगों ने पूरे भारत देश के लोगों की चिंता करी और उनको समझा कि भाई भारत देश में सारे बंदे चटकोरे हैं, सारे बंदे तगड़े तरीके से खाना खाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अंदर की कचाकच तगड़ी तहलका वाली मार्केट है जो कि चटकोरों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर हर एक महिला आ जाए मुंबई में जुहू बीच के पास और तहलका मचा दे। यहाँ पे खाने का टेस्ट, मुंबई के खाने का टेस्ट, चाहे वो आप वड़ा पाव खाओ, चाहे गोलगप्पे खाओ, चाहे पाव भाजी खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, यहाँ पे खाना आपको एक नंबर मिलेगा। मुंबई का खाना, जुहू बीच के पास का तहलका वाला खाना है भाई साहब, मज़ा आ जाएगा आपको। एक बार यहाँ पर आ जाओ और जितने भी चटकोरी महिला मेरी प्यारी बहनें हैं, ये देख लो आप एक बार दोबारा से। मेरे को ये भी पता है कि बहुत सारी औरतें अपने पतियों से लड़ाई करने वाली है, उनके कान पकड़ने वाली है, उनकी जेब से पैसे निकालने वाली है, फ़्लाइट बुक कराने वाली है और फटाफट से जुहू बीच आने वाली है। एक बार मार्केट दोबारा देख लो, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, तहलका तगड़ा मच जाएगा। ये देखो एक के बाद एक मार्केट दिखा रहा हूँ तुम्हें मैं। ये देखिए आप, सारे यहाँ पर चटकोरे खड़े हैं और जो औरतें 25-25, 40-40 गोलगप्पे खाना पसंद करती है उसके लिए तो ये मार्केट बहुत तगड़ी है, और जो औरतें 15-15, 20 वड़ा पाव खाना पसंद करती है उसके लिए भी तगड़ी मार्केट है, और जो औरतें तगड़े पाव भाजी खाना पसंद करती है उसके लिए भी तगड़ी मार्केट है। यहाँ पर आओ, तहलका मचाओ, और यहाँ पर कम से कम 200-250 दुकानें हैं। मुंबई आओगे, होटल बुक करोगे और होटल के बाद पूरी रात यहीं बैठे रहोगे, आप खाते रहोगे, हकते रहोगे, खाते रहोगे, हकते रहोगे, खाते रहोगे, हकते रहोगे, तहलका मचाते रहोगे। जुहू बीच के पास का तहलका वाला खाना है भाई साहब, मज़ा आ जाएगा आपको।